गुड मॉर्निंग, मैं कैलाश वासु, लेक्चरर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सवाई माधोपुर से। ME 206 का एक टॉपिक जो कि ट्रांसमिशन सिस्टम है, उसके बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ट्रांसमिशन सिस्टम यानी कि एनर्जी का ट्रांसमिशन, किसी भी व्हीकल के अंदर इंजन से लेके पावर को टायर तक, व्हील तक पहुंचाने के लिए कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस होती हैं, कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट हैं, कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जिनके माध्यम से हम एफिशिएंटली पावर को ट्रांसमिट करते हैं, वो सारी चीज़ें ट्रांसमिशन सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। इनको मैंने 5 डिफरेंट पार्ट्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सबसे पहले पावर जो है वो इंजन से क्रैंक शाफ्ट पर हमें उपलब्ध होती है। इस क्रैंक शाफ्ट से पावर को क्लचेस की ओर हम प्रेषित करते हैं, यानी क्लच की तरफ हम इस ऊर्जा को संचरित करने की कोशिश करते हैं। क्लच अपने आप में एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम किसी भी व्हीकल को स्टार्टिंग कंडीशन में भी रनिंग या स्टॉप कंडीशन में ला सकते हैं। यानी कि अगर हमारा प्राइम मूवर चल रहा है, यानी व्हीकल का जो इंजन है वो चल रहा है, उसके बाद भी हम अगर क्लच को डिसएंगेज कर देते हैं, यानी उससे हम ऊर्जा का संचरण रोक सकते हैं बिना ब्रेक की सहायता से। तो क्लच जो है अपने आप में एक ऐसी युक्ति है, ऐसी डिवाइस है जिसके माध्यम से हम ऊर्जा को कनेक्ट या डिसकनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लच पैडल। इस क्लच पैडल की सहायता से हम जब एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं, यानी ऊर्जा को संचरित करते हैं, तो क्लच से आगे आने वाली जो डिवाइस है वो होती है गियर बॉक्स। गियर बॉक्स अपने आप में एक महत्वपूर्ण युक्ति है, एक महत्वपूर्ण पार्ट है किसी भी व्हीकल के अंदर, जिसके अंदर कि हम डिफरेंट टाइप का टॉर्क प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि हमें आघूर्ण की जो प्राप्ति करनी होती है वो इसी गियर बॉक्स के माध्यम से हम करते हैं। यानी आघूर्ण की प्राप्ति करने का आशय ये है कि जब व्हीकल को हम रनिंग कंडीशन में लाते हैं, स्टॉप कंडीशन से रनिंग कंडीशन में, तो स्टार्टिंग में हमको अत्यधिक टॉर्क की आवश्यकता होती है। उस समय हम उसमें स्पीड की रिक्वायरमेंट नहीं रखते, यानी कि हम ये नहीं चाहते कि वो हाई स्पीड पर मूव करें। तो उचित टॉर्क प्राप्त करने के लिए, हमें उचित आघूर्ण प्राप्त करने के लिए इस गियर बॉक्स की मदद लेनी पड़ती है। यानी जब व्हीकल को हम फर्स्ट गियर में लगाते हैं तो हमें उच्चतम आघूर्ण की प्राप्ति होती है और व्हीकल जो है स्टॉप से रनिंग कंडीशन में आने की ओर अग्रसर हो जाता है। तो जैसे जैसे हम गियर बॉक्स को शिफ्ट करते हैं, यानी कि गियर लीवर की सहायता से हम फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में लाते हैं, उस समय होता ये है कि गियर असेंबली के अंदर वो एप्रोप्रिएट गियर मैश कंडीशन में आते हैं, जिसकी वजह से वो टॉर्क में धीरे धीरे कटौती करते हैं, साथ साथ स्पीड में वृद्धि करते हैं। यानी कि गियर बॉक्स एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम आघूर्ण को नियंत्रित करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। यानी स्टार्टिंग में आघूर्ण ज़्यादा, स्पीड कम, और जैसे जैसे हम गियर बॉक्स की सहायता से हम उसको शिफ्ट करते चले जाते हैं, आघूर्ण में कटौती होती चली जाती है और उसकी स्पीड में वृद्धि होती चली जाती है। ये तो सबसे प्रमुख इस युक्ति का कार्य है। लेकिन साथ ही साथ इस युक्ति से, इस डिवाइस से हम एक महत्वपूर्ण कार्य और भी कर सकते हैं कि अगर हम व्हीकल को आगे की बजाय पीछे की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं तो इसी गियर बॉक्स के अंदर एक ऐसा असेंबली होती है जिसको गियर लीवर की सहायता से शिफ्ट करने पर व्हीकल आगे ना जाकर पीछे की तरफ मूव करने में भी सक्षम हो पाता है। ये गियर बॉक्स अपने आप में एक महत्वपूर्ण युक्ति है। अब इस गियर बॉक्स से पावर जब ट्रांसमिट होकर आगे की तरफ चलती है तो उस शाफ्ट को कनेक्ट किया जाता है एक लॉन्ग मेंबर से, जिसे कहा जाता है प्रोपेलर शाफ्ट। ये प्रोपेलर शाफ्ट जोड़ने के लिए दोनों एंड्स पर यूनिवर्सल जॉइंट्स दिए जाते हैं, ताकि तिरछी शाफ्ट को, यानी कि इंक्लाइंड लेवल पर, अगर इंजन की पोजीशन ऊपर है और व्हील की पोजीशन नीचे है, तो तिरछी अवस्था में प्रोपेलर शाफ्ट को जोड़ने के लिए यूनिवर्सल जॉइंट की मदद ली जाती है। और ये यूनिवर्सल जॉइंट उस प्रोपेलर शाफ्ट के दो पार्ट्स को जोड़ने में सक्षम होती है। ये प्रोपेलर शाफ्ट अपने आप में स्प्लाइन जॉइंट लिए होती है। स्प्लाइन जॉइंट का अर्थ ये है कि उस शाफ्ट का अक्षीय दिशा में एक किस्म से ग्रूव कटे होते हैं, खांचे कटे होते हैं इस तरीके से, ताकि वो आपस में अक्षीय दिशा में, एक्सियल डायरेक्शन में मूव करने में सक्षम हो पाए। ये वास्तव में इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि जब व्हीकल इररेगुलर रोड कंडीशन पर चले तो वहां पर व्हील, फ्रंट व्हील और रियर व्हील के बीच की जो दूरी है उसको एकोमोडेट करने के लिए, उसको स्थानांतरित करने के लिए, यानी उसमें इतना पोजिशन बनाने के लिए कि वो उस एक्सिस मूवमेंट को प्रोवाइड कर सके, इसलिए ये स्प्लाइन जॉइंट्स प्रोवाइड किया जाता है। तो प्रोपेलर शाफ्ट के रोटेटिंग होने के साथ पावर को ट्रांसमिट किया जाता है आगे की तरफ, और इस प्रोपेलर शाफ्ट का जो दूसरा एंड होता है
चार गियर बॉक्स डिफरेंशियल असेंबली की तरफ जाता है, जो डिफरेंशियल असेंबली अपने आप में गियर बॉक्स है सन एंड प्लैनेट टाइप की, जो एक ऐसी युक्ति है जो कि हमें रिलेटिव मोशन प्रोवाइड करने में मदद प्रदान करती है। रिलेटिव मोशन का मतलब ये होता है कि अगर व्हीकल कभी टर्निंग कंडीशन में होता है, जैसे लेफ्ट टर्न किया या राइट टर्न किया, उस परिस्थिति में जो अंदर वाले पहिए होते हैं वो बाहर वाले पहियों की तुलना में कम दूरी तय करना चाहते हैं। यानी हम ये मान के चलते हैं कि जब कोई भी व्हीकल लेफ्ट टर्न करेगा तो अंदर वाला पहिया कम रोटेट करे और बाहर वाला पहिया ज़्यादा रोटेट करे। क्यों? क्योंकि उसको अधिक दूरी तय करनी है। तो इस प्रकार से अंदर और बाहर के जो पार्ट हैं, व्हील हैं, उन व्हील्स के अंदर जो रिलेटिव मोशन हमें देना है, उस रिलेटिव मोशन को प्रोवाइड करने के लिए ये डिफरेंशियल गियर बॉक्स प्रोवाइड किया जाता है। इसकी सहायता से पावर को ट्रांसमिट करके रियर एक्सल तक पहुंचाया जाता है और इस डिफरेंशियल गियर बॉक्स से फिर रियर एक्सल के दो पार्ट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जुड़े होते हैं, जो कि व्हील के स्टब एक्सल की तरफ जुड़े होते हैं और स्टब एक्सल पर व्हील को माउंट किया जाता है जहां पर ब्रेक असेंबली होती है। इस तरीके से पावर का ट्रांसमिशन इंजन से लेके रियर एक्सल तक पूरा ट्रांसमिट किया जाता है। ये मैंने जो डिस्कशन किया है ये रियर व्हील ड्राइव के केस में है। रियर व्हील ड्राइव का मतलब ये कि इंजन अगर आपका फ्रंट में है और पावर हमको पिछले पहियों में ट्रांसमिट करनी है, इसे बोला जाता है रियर व्हील।